हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बनाएंगे टेस्टी सी रेसिपी घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनेगी रेसिपी। इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, घर में रखे हुए सामान से इसको बनाएंगे। आप ट्राई जरूर करना, मेरी रेसिपी अच्छे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये सेवियां। सेवियां नॉर्मली मैक्सिमम हमारे पास घर में अवेलेबल होती है, इस तरीके की सेवियां हम यूज करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इस रेसिपी का टेक्सचर कितना बढ़िया है, टेस्ट भी इसका उतना ही अच्छा है। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, ये देखिए कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स हम इसको रेडी करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको बनाने में, और बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी होगी हमारी। एक बार ट्राई करोगे तो बार बार बनाओगे। इसको बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहां पर 1 कप सेवियां। इस तरीके की सेवियां आपको लेनी है, साथ ही हमने एक कढ़ाई ली है। इसको मैंने अच्छे से पहले से गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम सेवियों को इसमें ऐड करेंगे। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी होती है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अच्छे से सेवियों को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा सेवियां भूनते टाइम, हाई फ्लेम में मीडियम फ्लेम मत कीजिएगा। लो फ्लेम पे सेवियों को भूनेंगे तो उसका कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, इस तरह से लो फ्लेम पे सेवियों को हम भून लेते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सेवियां भूनते टाइम, तो अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, सेवियां भूनने लग गई है। यहाँ पर घी भी देखिए हमने बहुत ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ 1 चम्मच घी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। टेस्टी सी झटपट बनने वाली है रेसिपी। ये देखिए यहाँ पे सेवियां ये भून गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कलर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही हमारे को उसको रखना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। यहाँ सेवियां हमारी भून गई है, कितना बढ़िया इसका कलर और टेक्सचर रेडी हो गया है। आगे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं पूरी। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध। यहां पर मैंने जो दूध यूज किया ये फुल टॉन्ट फुल क्रीम दूध है, इसी इसका खास ध्यान रखिएगा कि ये रेसिपी बनाते टाइम दूध आप फुल क्रीम ही लीजिएगा, फुल क्रीम दूध से ही रेसिपी रेडी होगी। दूध में उबाल आ गया है, दूध में उबाल आने के बाद में गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे, और दूध उबालते टाइम ये ध्यान रखिएगा बराबर रेगुलर उसको स्टिर करना है ताकि दूध कहीं लगे नहीं। अभी आप दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, दूध कितना पतला है। अभी दोस्तों रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। दूध में उबाल आ गया है, 1 चम्मच देसी घी हमने ऐड कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे दूध को पकाएंगे, रेगुलर स्टिर भी करेंगे बीच बीच में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, अच्छी सी खुशबू आ रही है। इलायची पाउडर जब दूध में उबलता है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना दोस्तों, वैसी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी आपको मैं रेगुलर दिखा रही हूँ, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स रेसिपी हैं तो वो भी ट्राई कीजिएगा। कौन सी रेसिपी आपको ज्यादा अच्छी लगी बताइएगा। बहुत ही झटपट जल्दी से घर के इंग्रेडिएंट से बनाई हुई टेस्टी सी रेसिपी जो सभी को पसंद आएगी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस झटपट बनाने वाली टेस्टी सी रेसिपी को। दूध देखिए उबल उबल के कितना गाढ़ा हो गया है, आप साइड में देख सकते हो किनारियों से पता चल रहा है दूध कितना पक गया है यहाँ पर, और कंसिस्टेंसी भी पहले से दूध की बहुत ठीक हो गई है। रेगुलर स्टिर करते रहिएगा दोस्तों, और यहाँ देखिए कितना अच्छे से दूध पक गया है, पहले से दूध कितना कम हो गया है पक पक के, कंसिस्टेंसी और भी ठीक हो गई है इसकी।
बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब दूध इतना कम हो जाए आपका तो उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे शक्कर। मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर ली है, आप शक्कर अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। शक्कर को दूध में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस टाइम गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। शक्कर मिक्स हो गई है दूध में, कंसिस्टेंसी भी दूध की ठीक हो गई है। साइड में जो मलाई लगी है उसको आप उतार लीजिए इसी में। इसके बाद हम इसमें ये सेवियां जो हमने भूनी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से सेवियों को दूध में मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इस तरह से रेगुलर स्टर करते हुए मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बनी की रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 pinch सिर्फ एक चुटकी कलर। मैंने यहाँ पे फूड कलर यूज किया है, पीला रंग है, पीले रंग का फूड कलर यहाँ पे यूज किया है। उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी रेसिपी रेडी होगी। मेरे घर में तो रेसिपी सबको बहुत पसंद है, आपके घर में कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छे से हमने इसको उसमें पका लिया है दूध में। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। जब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप नारियल का बुरादा, 8 से 10 बादाम की कतरन, और अच्छे से इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ट्राई जरूर करना दोस्तों, क्योंकि रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। आप कोई ओकेशन पे बना रहे हो तो जरूर ट्राई करना। मेहमान बार बार आके पूछेंगे आपने इसे कैसे बनाया है, इतनी टेस्टी लगती है ये रेसिपी। और ज्यादा कोई सामान नहीं लगा, घर में रखा हुआ ही सामान हमने यहाँ यूज किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी हमें ये रखनी है इसकी, ये कंसिस्टेंसी हमारे को चाहिए इसकी। यहाँ पर इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख लेते हैं भाप में पकने के लिए। गैस बंद कर देंगे। जितने वो भाप में पक रही है गैस बंद कर दी हमने उसकी, उतने हम यहाँ पर एक ट्रे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। घी ऑयल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर घी यूज किया है। आप इसे थाली में ही बना सकते हो, मेरे पास ट्रे अवेलेबल थी तो मैं ट्रे में ही और घी से ग्रीस कर रही हूँ उसको। यहाँ ट्रे घी से अच्छे से ग्रीस हो गई है और वो भी अच्छे से स्टीम्ड हो गया है। तो उस मिक्सचर को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। टेस्टी सी सेवियों की रेसिपी जो कि हम आज बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे दोस्तों उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे से इसको हम मिक्सचर को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, उससे मेरे चैनल की जो भी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन होगी प्रॉपर आपको मिलेगी। स्वीट्स के साथ साथ बहुत सारे स्नैक्स रेसिपी है, जरूर देखिएगा। और कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी मुझे बताइएगा। यहां अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया। इसके बाद हम कुछ बादाम की कतरन इसके ऊपर लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी रेसिपी हमारी यहाँ पर ये रेडी हो रही है। अच्छे से बादाम की कतरन को भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे सेट कर लिया है। और आप ये देखिए कहीं चिपक नहीं रहा है फिंगर में, तो इसका मतलब परफेक्टली सेट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ये चांदी का वर्क जो होता है ये लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, पर देखने में थोड़ा सुंदर लगता है इसलिए मैं इसे लगा रही हूं। बिना चांदी के वर्क की भी टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चांदी का वर्क अच्छे से मैंने यहां पर लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी रेसिपी हमारी ये रेडी हो गई है। एक ऐसी रेसिपी जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। इसके बाद हम
थोड़ी सी बादाम की कतरन भी इस पे लगा देंगे और उसे भी यहाँ पर सेट कर देंगे इस पे। यहाँ पे बादाम की कतरन भी हमने अच्छे से सेट कर दी है, इसे हम काट लेते हैं। आप टेस्टी सी रेसिपी इतनी जल्दी बनने वाली घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स ही हमने रेडी कर ली है, बहुत ही बढ़िया लगती है। ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। इनफैक्ट आप इतनी ज्यादा शौक से खाओगे इसको, इतनी अच्छी झटपट बनने वाली टेस्टी सी रेसिपी है। मिठाई मीठा भी हमने इसमें बहुत ज्यादा नहीं डाला है। झटपट बनाइएगा टेस्टी सी रेसिपी और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देखिए कितनी टेस्टी स्मूथ सी रेसिपी हमारी यहाँ रेडी हुई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। मैं जल्दी से इसको प्लेट पे सर्व कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है बर्फी। यहाँ मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और आप ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया है। यहाँ मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ एक पीस। वाव, बहुत ही यमी बनी है, टेस्टी सी बनी है, झटपट सी रेसिपी बनी। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जल्दी मिलेंगे हम एक टेस्टी चटपट सी और रेसिपी के साथ में। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड।